नमस्कार, वीके न्यूज के प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर में भाजपा के चंद्रशेखर बावन को ले 362 वोटों से विजयी, भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जल्लोष। नागपुर चुनाव में हुआ घोड़ा बाजार, पटोले की प्रतिक्रिया। और नागपुर में युवती ने गैंगरेप का किया नाटक, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सच्चाई लाई सामने। और अब खबरें विस्तार से। विधान परिषद के स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चंद्रशेखर बावन कुले ने 362 वोटों से विजय हुए। अपनी जीत पर उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार माना, साथ ही सभी मतदारों का शुक्रिया अदा किया। वही विरोधी पक्ष नेता ने भी बावन कुले की जीत पर खुशी जताई। शहर में बीते 10 दिसंबर को बेहद ही रोमांचक विधान परिषद के चुनाव हुए, जिसके बाद हर किसी की नजर परिणामों पर टिकी हुई थी। इसी बीच मंगलवार को चुनाव के नतीजे सामने आए, जिसमें भाजपा उम्मीदवार चंद्रशेखर बावन कुले ने 362 वोटों से एक तरफा जीत हासिल की। वही मतों की गिनती के बीच कांग्रेस समर्थित मंगेश देशमुख के पलड़े में 186 वोट थे, तो रविंद्र भोयर को केवल एक वोट से ही खुश होना पड़ा। इस अवसर पर भाजपा खेमे में खुशी का माहौल दिखाई दिया। वही बात करते हुए भाजपा उम्मीदवार चंद्रशेखर बावन कुले ने पार्टी के शीर्ष नेताओं का आभार माना और कहा कि मतदारों ने जो उन पर विश्वास जताया है उसमें व्यर्थ नहीं जाने दिया। वही विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी बावन कुले की जीत पर खुशी जाहिर की, कहा चार जगह पर भाजपा ने जीत हासिल की है। आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरे सहयोगी चंद्रशेखर बावन कुले जी, इन्होंने एक प्रचंड विजय हासिल की है। साथ ही में अकोला में भी वसंत भाई खंडेलवाल बीजेपी के चुनकर आए हैं। महाराष्ट्र की विधान परिषद की 6 सीटों पर चुनाव था, उसमें से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। एक प्रकार से 3 पार्टियां साथ में आने के बाद सारे चुनाव वो जीत सकते हैं। इस प्रकार की जो बात वो कहते थे, इस मिथक को आज पूरी तरीके से हमने ध्वस्त किया है। और विशेष रूप से मैं ये मानता हूँ कि चंद्रशेखर बावन कुले जी के विजय के साथ हमारे नए विजय की मालिका शुरू होती है। मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, होम मिनिस्टर अमित भाई शाह जी का, जिन्होंने हम पर विश्वास किया और चंद्रशेखर जी और हमारे सभी उम्मीदवारों को उन्होंने नॉमिनेशन दिया। मैं साथ ही आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हमारे नेता श्री नितिन गडकरी जी का, जिनका मार्गदर्शन इस चुनाव में हमको मिला। और विशेष रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करना चाहता हूँ, हमारे अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल जी का भी। नागपुर विधान परिषद चुनाव में भाजपा प्रत्याशी चंद्रशेखर बावन कुले ने जीत हासिल करने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा भाजपा ने घोड़े बाजार किया है, भाजपा को पार्टी के लोगों पर ही भरोसा नहीं है। बघा, आपण पाहिलं असेल की नागपूरच्या निवडणुकांमध्ये विशेष करून त्या ठिकाणी ज्या पद्धतीचा घोडे बाजार झाला, स्वतःचे जे वोटर होते त्यांच्या पक्षाचे जे लोकप्रतिनिधी होते जिल्हा परिषद महानगरपालिका नगरपालिकेचे, त्यांना बाहेर यात्रेवर नेलं, आपल्याच वोटरवर भरोसा नसलेली ही पार्टी आहे आणि त्या पद्धतीचा घोडेबाजार करून ही निवडणूक त्यांना जिंकता आली तर त्यांचं ते आहे। पण खरं तर या पद्धतीचा घोडेबाजार होणं हा लोकशाहीला घातक आहे आणि आता जो निकाल आलेला आहे त्या निकालाचं स्वागतच केलं पाहिजे। चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की नानांनी राजीनामा द्यायला पाहिजे, असं आहे की त्याच्यावर उत्तर आम्ही भविष्यात देऊ, आता या पद्धतीचं उत्तर देणं काही बरोबर नाही। पण जे घोडेबाजार करणारी प्रवृत्ती आहे
त्या घोडेबाजाराच्या प्रवृत्तीचं दर्शन आपल्याला या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं. नागपूरमध्ये कुठेतरी उमेदवार वेळेवर बदलला याचा फटका बसला असं म्हणता येईल? काही नाही, ती स्ट्रॅटेजी होती, त्याच्यामुळे त्याचा काही फरक पडलेला नाही. हो, अकोल्यामध्ये पण त्याची माहिती नाही मला. युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर सोमवार को पुलिस ने शहर भर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले. आखिरकार सीसीटीवी फुटेज से ही घटना की सच्चाई का पता चला. युवती की सामूहिक दुष्कर्म की कहानी झूठी निकली. युवती की शिकायत पर दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन अब झूठी कहानी बताने वाली युवती के खिलाफ भी पुलिस मामला दर्ज करेगी. 19 वर्षीय छात्रा काटोल मार्ग पर रहती है, वह गायन सीख रही है. सीताबर्डी के एक गायन क्लास से प्रशिक्षण हासिल कर रही है. छात्रा के अनुसार वह सुबह 9 बजे घर से रवाना हुई. 9:30 बजे वैरायटी चौक से पैदल रामदास पेट जा रही थी. रामदास पेट में लेंड्रा पार्क के पास कार में सवार दो युवक उसके पास आकर ठहरे. उन्होंने पता पूछने के बहाने कलमना परिसर ले जाकर बलात्कार किया. दिन दहाड़े अगवा कर गैंगरेप की शिकायत से पुलिस में खलबली मच गई. पुलिस आयुक्त ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया. जांच के लिए 1000 कर्मियों को लगाया था. 40 टीम केवल सीसीटीवी की जांच के लिए बनी थी, जिसने 180 सीसीटीवी की जांच की. डीसीपी सारंग आवाड, चिन्मय पंडित, विनिता साहू और मनीष कनवलनिया जांच कर रहे थे. सीसीटीवी की जांच में ही छात्रा द्वारा दी गई जानकारी झूठी साबित हो गई. इसी बीच शहर पुलिस की महिला पुलिस अधिकारियों की पूछताछ दौरान भी छात्रा उन्हें आरोपियों के बारे में गुमराह करने में रही. बाद में इस बात का खुलासा हो गया कि छात्रा ने प्रेम विवाह के लिए अपने परिजनों से बात की थी, लेकिन वह इसके लिए राजी नहीं थे, इसलिए उसने अपने गैंगरेप का यह सारा ड्रामा रचा था. वो बरोबर है, कल दुपारी 12 सुमारास एक 18.5 वर्षाची मुली कलमना पोलीस स्टेशनला येऊन तक्रार दिली होती कि ते म्युझिक क्लासला रामदास पेट येथे जात असताना त्यांना एक ओमनी कार मध्ये दोन लोक आले आणि बुटीबोरीचे रस्ता विचारण्याची हे करून त्यांना गाडीमध्ये बसून ठेवला आणि किडनॅप केला आणि नंतर एका ठिकाणी काही खुल्या जागेवर जाऊन त्यांच्यासोबत सामूहिक बलात्कार झाली. ही फिर्याद आल्यानंतर पुणे पोलीस यंत्रणा तपासामध्ये लागलेले होते आणि ही पूर्ण घटनाक्रमची तपास करण्यात आली आणि अशा निष्पन्न झाला की अशा प्रकारची घटना घडलेली नाही. कारण ही स्पष्ट झाली की मुली त्यांचे गावातून निघाल्यानंतर मूनलाईट स्टुडिओ जवळ बसनी बाहेर उतरली आणि त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या ठिकाणी व्हरायटी चौक, आनंद भवन आणि असे असे चौक करून ते ऑटो रिक्षा घेतली आणि तिथून मेयो हॉस्पिटलला ऑटो रिक्षानी उतरली आणि परत दुसऱ्या ऑटोनी ते चिखली गावात कलमना येथे उतरली आणि हे पूर्ण सर्व दिशाभूल करण्याची उद्देशातून अशा प्रकारची फिर्याद दिली होती, अशा निष्पन्न झालेली होती. नंतर त्यांना पण विचारपूस करण्यात आली आणि त्यांच्याकडून पण अशाच समजला की त्यांनी काही वैयक्तिक कारणांनी, काही घरगुती कारणांनी काही अडचण होती त्याचे मुळे त्यांची काही मानसिक स्थिती हादरली होती आणि त्यांनी अशा प्रकारची फिर्याद दिली. विधान परिषद की नागपुर सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना, कांग्रेस, सरकांपा की महाविकास आघाड़ी को तगड़ा झटका दिया है. विधान परिषद की नागपुर स्थानीय निकाय संस्था सीट के लिए चुनाव के परिणाम घोषित किए गए, जिसमें भाजपा के उम्मीदवार और पूर्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले भारी मतों से विजय हुए. इस दौरान भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सभी जनता का आभार माना, साथ ही साथ भाजपा के बड़े नेताओं को धन्यवाद दिया. पी नड्डा जी, नितिन गडकरी जी, महाराष्ट्र के लोकनेते देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय आमचे अध्यक्ष चंद्रकांत दादा जी, या सर्वांचं मनपूर्वक आभार मानतो. ज्या मतदारांनी मला मतदान केलं पहिल्या पसंतीचं, त्यांचा आभार मानतो. दुसऱ्या पसंतीचंही मतदान मला मोठ्या प्रमाणात मिळालं आहे, त्यांचेही मी आभार मानतो. आणि 362 मतं आम्हाला मिळाली. भाजपकडे 318 मतं होती, पण 362 मतं मिळाली. नागपूरच्या जिल्ह्यातल्या शहरातल्या जनतेने, मतदारांनी माझ्यावर प्रेम केलं आणि संपूर्ण पक्ष माझ्या पाठीशी उभा राहिला, म्हणून हा विजय मला मिळाला आहे. महाविकास आघाडीला जे 186 मतं मिळाली, जर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनी त्यांना साथ नसती दिली तर 186 मतं मिळाली नसते. राष्ट्रवादी आणि शिवसेना त्यांच्यामागे उभी राहिली म्हणून त्यांना 186 मतं मिळाले. काँग्रेसमध्ये प्रचंड अफरातफरी झाली,
प्रचंड मतं फुटलीत, कारण हुकुमशाही मुघलशाही पद्धतीने पक्ष चालवणे याचे हे उदाहरण आहे। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले हे दोन मंत्र्यांच्या दबावात आले, त्यांनी उमेदवार बदलवला, एक उमेदवाराला तिकीट दिली, दुसऱ्या उमेदवाराला मत टाकायला लावले, ही पक्षातली हुकुमशाही। मतदाराला मान्य नव्हती, जनतेला मान्य नव्हती। काँग्रेसमध्ये प्रचंड अस्वस्थता या विषयाला आहे आणि याचा प्रचंड फटका विदर्भामध्ये काँग्रेस पार्टीला बसणार आहे। छोटू भोयरनी सुद्धा स्वतःला मतदान केलं, त्यांनी सुद्धा काँग्रेसला मतदान केलं नाही। माननीय देवेंद्र फडणवीसजींच्या नेतृत्वामध्ये विजयाची घोडदौड सुरू झालेली आहे आणि यानंतर महाराष्ट्रामध्ये संपूर्ण स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि यानंतर सर्व निवडणुका होतील, भारतीय जनता पार्टी जिंकणार आहे। हुकुमशाही नाना पटोले प्रदेशाध्यक्ष हे हुकुमशाही पद्धतीने चालतात आहे, ते मंत्री त्यांचं ऐकत नाहीत, ते कसले प्रदेशाध्यक्ष आहेत। आणि त्यामुळं खऱ्या अर्थाने हा नाना पटोलेचा पराभव आहे, त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला पाहिजे। मला कधीही पक्षाने मागे टाकलं नाही, मला पक्षाचं महासचिव म्हणून काम करण्याची संधी दिली। 10 वर्ष 15 वर्ष विधानसभेत मी होतो, मंत्रीपदावर होतो, मला पक्षाने खूप काही दिलं आहे, कधीही मला पक्षाने मागे ठेवलं नाही आणि आजही पक्षाने मला तिकीट दिली। मला वाटतं की माझ्या आयुष्यामध्ये शून्यातून इथपर्यंत आणण्याचं काम पक्षाने मला केलं आहे, त्यामुळं मी पक्षाचे आभार मानतो, नेत्यांचे आभार मानतो आणि या ठिकाणी माझ्या विजयाला जा। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन बने रही आप हमारे साथ। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिजली की कटाई तुरंत रोकने और बिजली की दरें कम करने की मांग करते हुए जयविदर पार्टी ने बिजली मार्च निकाला है। सेंट्रल नागपुर के अध्यक्ष नरेश निमजे के नेतृत्व में निकाले गए बिजली मार्च में बड़ी संख्या में विदर्भवादी उपस्थित थे। वीज कापणे बंद करा, बंद करा, बंद करा। मंत्री नितीन राऊत। नागपुर के शिवाजी नगर गेट से भूतेश्वर नगर, नंजी नगर, मणिपुर, चिटनीसपुर, तुलसीबाग पावर हाउस से नारेबाजी करते हुए बिजली मार्च पहुंचा और बिजली घर के सामने बिजली के बिल जलाए गए हैं। इस दौरान तुरंत बिजली काटना बंद करें, 200 यूनिट बिजली बिल फ्री पाएं, जिसके बाद के दरों को कम कर दिया जाए, बिजली विदर्भ का अधिकार, हम बिजली बिल पर सरचार्ज नहीं भरेंगे। दिल्ली में सस्ती है बिजली, लेकिन विदर्भ की जनता है त्रस्त। पृथक विदर्भ होना चाहिए, लेके रहेंगे साथ ही जय विदर्भ, जय जय विदर्भ के नारे विदर्भवादी नेताओं ने लगाए गए। इस दौरान जय विदर्भ पार्टी के अध्यक्ष अरुण केदार, उपाध्यक्ष मुकेश मासूकर समेत विदर्भवादी नेता उपस्थित थे। कोरोना के समय में हमने बिजली के ऊपर बहुत से मार्च निकाले और बिजली बिल हमारी जनता के ये पूरे मुक्त होना चाहिए, क्योंकि विदर्भ में बिजली तैयार होती है, उसके लिए जमीन हमारी गई, संसाधन हमारे लगे, प्रदूषण भी हम भोगते हैं। ऊपर से जो कारखाने वो पश्चिम महाराष्ट्र में, यहाँ की जनता का वारंवार शोषण किया जा रहा है,
और आज जो यहाँ हमने मार्च निकाला, नरेश निंदे इनके नेतृत्व में मार्च है, अरुण भाऊ केदार इनके नेतृत्व में मार्च है, जो क्योंकि जनता के अभी हम इस समय देख रहे हैं चार पाँच दिन से विदर्भ की जनता के साथ साथ आपके जो शिवाजी नगर के भाग की जनता के बिजली के कनेक्शन ताबड़तोब काटे जा रहे हैं। यहाँ अगर 500 रुपये का बिजली का बिल है किसी का तो उसको पूछा भी नहीं जा रहा, फटाक से उसकी लाइन काटी जा रही, जबकि कानूनन ऐसा है नहीं। कानूनन ये है कि 3 नोटिस जब तक देते नहीं तब तक किसी की लाइन काट नहीं सकते, चाहे उसका अगर 1 लाख रुपये बिल भी क्यों ना हो, 2 लाख रुपये बिल क्यों ना हो, पर बगैर पूछे बगैर नोटिस दिए उसको लाइन काट नहीं सकते। परंतु MSEB के कर्मचारियों ने अंधकार मचा के रखा है और इनके अंधकार के वजह से आज जनता त्रस्त हो चुकी है। शिवाजी नगर, भूतेश्वर नगर, इधर करनाल बाग आसपास की जनता जो है पूरी तरह से त्रस्त है। इसीलिए हम इनको एक चेतावनी देने के लिए आज यहाँ पर आए और इनको बता रहे अगर आज आप संभले नहीं तो ये जनता आपके घर तक भी घुस सकती है और जनता आती है तब कुर्सी खाली करना पड़ता है। इसीलिए आपको अब जागना पड़ेगा। ऊर्जा मंत्री जी, आपको ये जनता की चेतावनी है, ये सैकड़ों की तादाद में जो भीड़ आई है ये किसी पैसे से दी हुई, पैसे से लाई हुई भीड़ नहीं है, ये अपने मन से लोग आए हुए। इसलिए ऊर्जा मंत्री जी अब आपको जागना पड़ेगा, अगर आप नहीं जागे तो नगर निगम के चुनाव में हम आपको मटिया मेल कर देंगे, आपकी कुर्सी खाली कर देंगे। वर्धा शहर में तेंदुए की चमड़ी तस्करी कर रहे 4 आरोपियों को वर्धा वन विभाग ने हिरासत में लिया है, जबकि 1 आरोपी भागने में सफल रहा। वर्धा वन विभाग को नागपुर के मोबाइल स्क्वाड द्वारा मिली गुप्त जानकारी के आधार पर वर्धा वन विभाग ने शहर के झांसी रानी पुतले के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उद्यान के पास करीब 5 लोगों को तेंदुए की चमड़ी की तस्करी करते हुए देखा। इसी बीच वर्धा वन विभाग के टीम ने जाल बिछाकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 1 आरोपी भागने में सफल रहा। वन विभाग ने आरोपियों के पास से तेंदुए की चमड़ी जब्त की। 4 आरोपियों में से 2 आरोपी वर्धा के तो 2 आरोपी चंद्रपुर के हैं और फरार आरोपी की वन विभाग तलाश कर रही है। आमच्या नागपुर टीमला, वन विभागाच्या टीमला गुप्त माहिती मिळाली होती की वर्धेमध्ये असं बिबटच्या कातड्याचं काहीतरी डीलिंग होणार आहे, तर त्या दृष्टीने त्यांनी वर्धा वन विभागाच्या टीमला सोबत घेऊन सापळा रचला आणि त्या सापळ्यानुसार संध्याकाळी 8:30 दरम्यान 4 आरोपींना बिबटच्या कातडीसह अटक केली। त्या यांना अटक करून आज आपण कोर्टात हजर करणार आहे आणि याच्यामध्ये अजून कोणकोण आरोपी इन्वॉल्ड आहे, सदर बिबटची कुठं शिकार झाली, काय झाली, या सर्व गोष्टींचा तपास सुरू आहे। वर्धा शहरात पोस्ट ऑफिस चौकाच्या जवळ जे आंबेडकर उद्यान आहे त्याच्याजवळ तिथे आपण ताब्यात घेतलं। 4 आरोपी आहे, 2 वर्धा येथील आहे आणि 2 चंद्रपूर येथील आहे। सदर आरोपींना आता आपण कोर्टात हजर करतो आहे, माननीय कोर्ट जे काही आदेश देईल त्याच्यानंतर आपण पुढील तपास करू अजून। बुलढाणा विधान परिषद क्षेत्र से भाजपा उमेदवार वसंत खंडेलवाल विजयी हुए। भाजपा उम्मीदवार विजयी होने पर भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जल्लोष मनाया। अकोला बुलढाणा वाशिम विधान परिषद क्षेत्र से शिवसेना महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार गोपी किशन बजोरिया को पराभूत कर भाजपा के वसंत खंडेलवाल बहुमत से विजय हुए। उन्होंने 109 वोटों से जीत हासिल की। इस क्षेत्र में 3 टर्म आघाड़ी के उम्मीदवार गोपी किशन बजोरिया प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन्हें सरापा व्यवसायी वसंत खंडेलवाल ने हराया। गोपी किशन बजोरिया की 334 वोट और वसंत खंडेलवाल को 443 वोट मिले। भाजपा उम्मीदवार के जीत पर कार्यकर्ताओं ने जल्लोष मनाया। आज का भारतीय जनता पार्टी का ऐतिहासिक विजय आमदार वसंतरावजी खंडेलवाल यांच्या रूपाने आम्हाला आज बघायला मिळतो आहे। सर्वप्रथम सर्व भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधी आणि आपल्या राज्याची जनता यांचं मी हार्दिक अभिनंदन करतो। एक खूप चांगलं नेतृत्व आपण पुन्हा या राज्याला देत आहोत आमदार खंडेलवालजी यांच्या निमित्ताने। ही निवडणूक म्हणजे जनप्रतिनिधींद्वारा निवडलेली उमेदवार असतो, त्यामुळं आजचा हा विजय म्हणजे सध्याची जी आघाडी सरकार आहे त्याच्या विरोधात
त्यांच्या कार्यपद्धतीच्या विरोधातली नांदी आपण समजूया आणि आता ह्या आघाडी सरकारचं पतन व्हायला काही जास्त वेळ लागणार नाही असे जे आहे परिणाम जे निवडणुकीचे परिणाम आहे ते आपल्याला दाखवतो आहे. आज जो भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार वसंतभाऊ खंडेलवाल यांचा जो विजय झालेला आहे हा तसा पाहिला तर जो भारतीय जनता पार्टीचा जो कार्यकर्ता असतो जो भारत मातासाठी समर्पित असतो आणि पक्षासाठी समर्पित असतो आज तो आज विजय झालेला आहे आपला. आज आम्ही वसंतभाऊच्या रूपाने जो आम्हाला जो आज आमदार मिळालेला आहे आणि जो मागचा आमदार झाला त्यांच्या विरोधात आज आपण जे बघतोय वातावरण आज आमचा जो विजय झाला त्या याच्यात आम्ही आज फटाके फोडून आणि आज पेढे वाटून हा जल्लोष करत आहोत. बस भारतीय जनता पार्टी. कनान जल शुद्धिकरण केंद्र से भांडेवाड़ी पारडी 1-2 और सुबानगर पानी टंकी को जोड़ने वाली 700 मिलीमीटर व्यास की पाइपलाइन फूट गई है. इसके चलते मंगलवार को भांडेवाड़ी पारडी 1-2 और सुबानगर सहित 4 टंकियों की जलपूर्ति बाधित रहेगी. मिली जानकारी के अनुसार डिप्टी सिग्नल रेलवे क्रॉसिंग के पास महारेल के ठेकेदार की लापरवाही से जलापूर्ति पाइपलाइन फूटी है. इस पाइपलाइन से बड़े पैमाने पर पानी बह गया. बताया जा रहा है कि महानगर पालिका व ऑरेंज सिटी वाटर कंपनी के कर्मचारी पाइपलाइन सुधार कार्य में जुट गए हैं. इसके चलते मंगलवार को भांडेवाड़ी पारडी 1-2 और सुबानगर सहित 4 टंकियों की जलपूर्ति बाधित रहेगी. वहीं नागरिकों से भी अपील की गई है कि मरम्मत के कार्य को देखते हुए वो सीमित पानी का उपयोग करें. तो प्राइम टाइम में बस इतना ही, लेकिन देखते रहिए आप वीके भी न्यूज़. नमस्कार.